में देरी की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं पानी के संकट से जूझना पड़ सकता है। जी आपको बता दें कि अब जहां बाढ़ सूखे पड़े हैं उसको देखते हुए लोगों को डर है कि कहीं पूरे प्रदेश का हाल पाली की तरह ना हो जाए। राजस्थान में मॉनसून की देरी पानी का संकट बढ़ाती जा रही है। हालात ये है कि प्रदेश के बांध सूखते जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 152 बांध खाली पड़े हैं। हालात ये है कि इन बांधों में एक बूंद भी पानी नहीं है। भले ही इस बार प्री मॉनसून में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई हो, लेकिन बांध में पानी की आवक बहुत धीमी होने से हालत बिगड़ती जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा संकट जयपुर अजमेर 1 करोड़ जनता के लिए हो सकती है, जो पानी के लिए पूरी तरह बिसलपुर बांध पर निर्भर है। इस बार बिसलपुर में पानी का स्टॉक पिछले साल इन दिनों के मुकाबले काफी कम है। राजस्थान की ओवरऑल स्थिति देखें तो राज्य में 716 बांध में से सिर्फ 69% बांध ऐसे हैं जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है। डर है यदि समय पर मानसून नहीं आया तो हालात पाली जैसे हो सकते हैं, जहां इस बार वाटर ट्रेन से सप्लाई करना पड़ रहा है और अब भी वाटर ट्रेन के जरिए जोधपुर से आ रहा है। यही कारण है कि 7-8 दिन में एक बार पानी लोगों को मिल रहा है। लेकिन यही स्थिति रही तो अगले सीजन गर्मियों में यह अंतराल 10 दिन या उससे ज़्यादा का होने हो सकता है। जवाई बांध में पिछले साल मानसून आने से 16% पानी था, लेकिन मानसून गुजरने के बाद बांध में पानी की आवाज महज 2% रह गई।